अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस आमना, जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की माहिर हैं, जो मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं इसके उनको इंप्लीमेंट करवाती हैं, और NARC में ये जो प्लॉट लगा हुआ है इसमें इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। और मिस आमना बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होती हैं, जो जितने भी इसके एग्रीकल्चर रिलेटेड और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के प्रोजेक्ट हैं इनके ऊपर इनकी बड़ी इन डेप्थ वर्किंग है। लेकिन वो आज हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि रीजनरेटिव में क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके फार्मर ये प्रैक्टिस कर सकता है। जी मिस सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है आपके? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हाँ, उसके बाद टाइम ज़ाया किए बगैर हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हुए क्या क्या स्टेप्स हैं फार्मर को फॉलो करने पड़ते हैं, और उससे पहले अगर आप ये बता दें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं फार्मर को, तो ये बहुत अच्छा। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एक ऐसा सिस्टम है जो कि सदियों पहले जब एग्रीकल्चर हुआ करता था उस वक्त फार्मर्स अडॉप्ट करते थे। पानी की भी एक आपके पास ट्यूबवेल नहीं होते थे, जो पानी बरसात में आया या बारिश में आया उसी का अच्छा इस्तेमाल करके जो क्रॉप्स ग्रो किया था। इसलिए इस रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को नेचर बेस्ड एग्रीकल्चर भी कहते हैं, यानी कि आप वापस नेचर की तरफ जा रहे हैं। हमने ग्रेजुअली नेचर को छोड़ के हम खाद की तरफ आए, पेस्टिसाइड की तरफ आए, जिसकी वजह से आज एक फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो उसकी कॉस्ट आती है एक एकड़ कोई भी क्रॉप उगाने में वो बहुत हाई है। जितनी कॉस्ट ज़्यादा होती है आप उतनी महंगी फिर आगे प्रोड्यूस भी बेचनी पड़ती है, क्योंकि आपको अंदर से तो कुछ जब तक मुनाफा नहीं होगा तो फार्मर को ये फिर प्रैक्टिस नहीं करेगा। देयरफॉर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो फार्मर की कॉस्ट है कोई भी क्रॉप उगाने में वो कम करता है। चलिए नाज़रीन, अभी मिस सामना से ये पूछेंगे कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सिस्टम है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का वो पाकिस्तान में डेवलप किया है प्रो नेचर अलायंस ने विद द हेल्प ऑफ NARC और बाकी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ मिलकर ये प्रोसेस है जो पूरा ये प्रो नेचर अलायंस ने डेवलप किया। मिस थोड़ा सा ये बताएं कि कैसे कम होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके मैं कुछ आपको स्टेप्स बताती हूँ। इसमें ये होता है कि आपकी नॉर्मल जो एक फील हो उसको आप तैयार करते हैं, तैयार करने के लिए आप क्या करते हैं, आप हल चलाते हैं। इसके अंदर आपको हल नहीं चलाना, आपने सिर्फ हार्ड पैन यानी कि ऊपर का जो पैन है इसको जरा ब्रेक करके उसके बाद आपका रेज्ड बेड बनाने के लिए एक इंप्लीमेंट है, जैसे इतना रेज्ड बेड बनता है जो 42 इंच का, बिल्कुल जो दो टायर जो ट्रैक्टर के दो टायर हैं उसके बीच में जो फासला है वो रेज्ड बेड बनता है। साइड पे जहां ट्रैक्टर के टायर चलते हैं वो बिल्कुल फरोज बन जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, जो रेस पर जो ऊंची जगह है इसके अंदर हम प्लांट करेंगे सीड। सीड किस तरह प्लांट करेंगे, प्रिसीजन प्लांटर के साथ, ताकि आपकी 1x1 मीटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीड प्लांट हो सके। उसके बाद आप उसको कवर कर देंगे ये मल्च से। मल्च क्या होता है, पराली। Everyone is familiar, घर गांव गांव में सबको पता है, यानी मल्चिंग के लिए पराली इस्तेमाल हो सकती है, ऑर्गेनिक वेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद क्या है कि इसको कवर कर दें। जब आप कवर करेंगे तो सॉइल टेम्परेचर एक तो कम होगा, ऊपर से डायरेक्ट जो धूप आती है, और आपको पता है क्लाइमेट चेंज इस दफ़ा इस साल रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है पूरे साउथ एशिया में। मार्च से गर्मी टेम्परेचर कितने हाई होना शुरू हो गए, जिसका ऑब्वियसली इफेक्ट आता है आपकी एग्रीकल्चर पे। इससे जब आप कवर कर देते हैं तो सॉइल टेम्परेचर भी कम होता है, दूसरा जो धूप से सीधा सीधा पानी वेपरेट होता है वो भी नहीं होता, ठीक है। अब दी अदर थिंग, जब आप पानी का इस्तेमाल, वरना हम क्या करते हैं फ्लड इरिगेशन, उसमें हमें कई दफ़ा पानी लगाना पड़ता है, उसकी बहुत कॉस्ट आती है, ट्यूबवेल की कॉस्ट आती है। पानी जो ऑलरेडी पाकिस्तान में एक बहुत एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत बड़ा रिसोर्स अब हमारा कम रह गया है। पानी लगाते हैं सिर्फ ये फरोज जो नीचे जगह है, जो सीड है वो मॉइस्चर खुद खींचता है यहाँ से, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो इतनी फ्लडिंग या इनंडेशन के थ्रू वो अपना मॉइस्चर ले। कि बिल्कुल नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इस आमना ने जो बताया है, ये जो बेड साइज है ये 42 इंच है, और ये जो वाटर चैनल है फारोज जिसे कहते हैं ये तकरीबन 12 से 18 इंच होता है, यानी हम 42 इंच को पानी लगाने की बजाय सिर्फ हम 12 इंच को पानी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाकी जितना भी पानी है वो हमने सेव कर लिया है, और ये तकरीबन 80% से ज्यादा वाटर सेविंग बनती है इस हिसाब से। जी मिस ऑल, बिल्कुल। इसके अलावा अब जो कॉस्ट की बात है, किस तरह कॉस्ट सेव होती है, एक आपने पानी कम लगाया, आपने पानी कम लगाया आपकी वो कॉस्ट सेव होती है, आपने हल नहीं चलाया आपकी वो कॉस्ट सेव होती है। हाँ, दी अदर कॉस्ट इज जो आपने ये मल्चिंग की कॉस्ट है, पर फर्टिलाइजर ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है। अब उसकी क्या साइंस है, जब आपने हल नहीं चलाया, हल क्या करता है,
टॉप सॉइल होती है और नीचे बॉटम सॉइल होती है. हर एक के फर्क फर्क मकसद है, फर्क फर्क यूजेस है. जब हम हल चलाते हैं वो दोनों हम सॉइल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, विद द रिजल्ट के जो नीचे की सॉइल का जो काम है, जो किसी चीज को गलाना या बायोडिग्रेड करना या न्यूट्रिशन देनी, उसको जब हम हल चलाते हैं वो तो फिजा में उड़ जाती है. तो इस तरह हम उसको कंजर्व करते हैं. जब वो कंजर्व करते हैं तो सीड को जब नीचे से उसे पानी मिलता है ना, उसको सारी न्यूट्रिशन मिलती है. नासिर, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये जो परमानेंट रेज बेड है, ये आपने सिर्फ एक टाइम बनाने, एक वक्त बनाने हैं, और उसके बाद 5-10 साल जब तक ये खराब नहीं होती, इनकी शेप खराब नहीं होती, यही बेड चलते रहेंगे. दूसरा ये है कि जब आप इसके ऊपर प्रिसीजन प्लांटर से सीड लगाएंगे, किसान भाइयों मैं आपको बताऊं कि आपकी 80-90% तक सीड की बचत होगी, क्योंकि प्रिसीजन प्लांटर ने एक्यूरेट तरीके से सीड डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितना फासला चाहिए उतना रखना है. और फॉर एग्जांपल जिस प्लॉट में हम खड़े हैं, ये 1 एकड़ में 7 किलो गंदम का बीज डाला है. ट्रेडिशनली हमारे फार्मर 50-60 किलो डालते हैं, तो आप देखिए कितना फर्क आ गया. इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, इसमें आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, प्रिसीजन प्लांटर का काम भी ये होता है. दूसरा इसका रिजल्ट ये है, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन जमीन से मिल रही है, आपके सामने रिजल्ट्स हैं, नंबर ऑफ पिलर्स और जो दाने की हेल्थ है. अगर तो इसकी बिल्कुल 3-3, 4-4, 8-8 पिलर्स निकल रहे होते तो हम प्रिसीजन प्लांटर को भी क्वेश्चन करते कि अगर आपकी वो यील्ड नहीं आ रही तो फार्मर को उतना फायदा नहीं होगा. बट इसमें यील्ड आपके सामने है, रिजल्ट्स आपके सामने है, कॉस्ट आपको पता है, पूरे सीजन में एक दफा इसे पानी लगा, खाद लगी नहीं, पेस्टिसाइड आया नहीं, वो लगाया नहीं, सो आपके सामने है. अब इंशाल्लाह जैसे ही ये हार्वेस्ट होगा हमें एग्जैक्ट ये भी पता चल जाएगा कि कितने मन एकड़ में से इसकी पैदावार आई है. अच्छा, मैं सामना ये बताएं कि फार्मर को कोई मैसेज देना चाहिए इस बारे में, बिकॉज दिस इज रियली रेवोल्यूशनरी टेक्निक्स. तो ये बेसिकली तो सिंपल सा प्रोसेस है, 3-4 स्टेप्स हैं, यानी इनोवेशन है जिसके ऊपर PNA ने बहुत वर्किंग की और उसको फार्मर्स के लिए बहुत आसान कर दिया, चीज़ें सिंक कर दी आपस में, ठीक है. और अब हम फार्मर्स को बता रहे हैं कि फार्मर्स आपके पास सिर्फ 4-5 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आप ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये जो टेक्निक है इसको कर सकते हैं. तो फार्मर को आपको बिल्कुल, मैं अपने किसान भाई और बहनों को एक मैसेज देना चाहूँगी. मुझे पता है कि सब लोग बड़े हेजिटेंट होते हैं, आप डरते हैं कोई नई चीज़ ट्राई करने से, कोई नई चेंज अडॉप्ट करने से. इसको आप ट्राई करें, क्योंकि इसमें इनपुट कॉस्ट बहुत कम है और ये ऐसी चीज़ है जो आप गांव-गांव में कर सकते हैं. आप बेशक स्टार्ट करने के लिए आप बड़े एरिया में ना करें, आप आधे एकड़ से, आप थोड़ी सी जगह से शुरू करें, आप कनाल, 2 कनाल के प्लॉट से शुरू करें, ताकि आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू हो. ये एक ट्रायल है जो काफ़ी बड़े स्केल पे लगा है, क्योंकि ये प्रो अलायंस, NARC, वर्ल्ड बैंक, FCDO उन सब ने मिली. आप अपने लेवल पे करें और फिर रिजल्ट्स आप जब खुद देखेंगे ना, तो आपसे ज्यादा बेहतर इसको कोई नहीं बिलीव कर सकता. चलिए जी, दैट्स ग्रेट. आखिर पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, शुक्रिया प्रो नेचर अलायंस, शुक्रिया NARC और बाकी जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, ये हमें टेक्नोलॉजी दी जिससे फार्मर जो है वो बेनिफिट उठा सके. ऑल्सो लास्टली पैदावार जो है, जो ये मूवमेंट है, उनको भी मैं नेम करना चाहूंगी. और अगर आपको कभी भी कोई इसके बारे में क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल जवाब, एक्सपर्ट ओपिनियंस, लोगों की वीडियोस, लोगों के एक्सपीरियंस से आप सीखना चाहते हैं, तो उनके फेसबुक पेज भी है जी, जिसको आप विजिट करें जी, एग्जैक्ट, फॉर बेटर लर्निंग. या एग्जैक्टली. तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे सामना का, और मुझे भी इजाजत दीजिए. थैंक यू.